मॉनसून जा चुका है और एक बार फिर से राजस्थान में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि विंटर्स के अंदर अभी थोड़ा बहुत टाइम बाकी है, तो ऐसे वक्त में हमें ऐसी ड्रिंक की जरूरत पड़ती है जो हमारी पूरी बॉडी को चिल कर दे और उसके बाद हमारा मन करता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। हालांकि मैं बात नहीं कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक की, मैं बात कर रहा हूँ उस ड्रिंक की जिसके मिलियंस ऑफ लवर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड में, वो है बियर। और वेलकम करता हूं मैं आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ व्हिस्की के आज के एपिसोड में। और बियर सीरीज के अंदर हम जिस बियर का आज रिव्यू करेंगे उसका नाम है बडवाइजर, द ग्लोबल किंग ऑफ बियर। बडवाइजर एक अमेरिकन ब्रांड ऑफ कंपनी है जिसे प्रोड्यूस करती है कंपनी एनहाइजर बुश, और ये कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी इन द ईयर 1876 के अंदर, एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग बियर इन यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत ही पसंदीदा बियर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोगों के बीच में। अब आप लोग बोलेंगे कि यार ये जो नाम है बडवाइजर इसका आखिर मीनिंग क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बडवाइजर बेसिकली एक जर्मन वर्ड है और ये जो बियर है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी इन द बडवाइज के अंदर जो कि सिचुएटेड है चेक रिपब्लिक के अंदर। ये बात है लगभग 1245 की। फिर उसके बाद साल 1876 के अंदर जर्मन बॉर्न मिस्टर एडोल्फस बुश ने अपने मित्र कार्ल कॉनरेड के साथ डेवलप करी एक लागर बियर आफ्टर विजिटिंग बोहेमिया सिटी जो कि चेक रिपब्लिक के अंदर सिचुएटेड है, और उस बियर का नाम रखा बडवाइजर। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस बियर के ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ आता है जिसका नाम है द बियर ऑफ किंग्स। ये स्लोगन कहां से आया? ये स्लोगन बेसिकली दिया था एडोल्फस बुश ने, और कंपनी ने ये स्लोगन ट्रेडमार्क भी किया है और ट्रेडमार्क को ओन भी करती है ये कंपनी। अब बात करते हैं आखिर ये बियर बनी किससे है, क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं इस बियर को बनाने के लिए। तो बडवाइजर बियर बनी है फ्रॉम बार्ले, राइस, होप्स, वाटर, और इसके अंदर CO2 और इथेनॉल अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया गया है, बट वो दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें बनी हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइम के ऊपर। तो चलिए अब इस बियर को ओपन कर लेते हैं और चेक करते हैं इसके नोजिंग एंड टेस्ट रिव्यूज। ग्लास के अंदर मैं पोर कर लेता हूं इस बियर को। आज भी अच्छा खासा जो फ्रॉथ है वो फ्रॉथ डेवलप हो रहा है इस बियर के अंदर, बट और बियर के कंपेयर के अंदर इसका जो फ्रॉथ है वो थोड़ा हेल्दी है, और अगेन हमें 1 से 2 मिनट वेट करना पड़ेगा ताकि इसका जो फ्रॉथ है वो सेटल्ड हो जाए। सो फाइनली जो फ्रॉथ है वो सेटल्ड हो गया इस बियर का, और चेक करते हैं इसके नोजिंग नोट्स क्या बोल रहे हैं। अगर हम कलर की बात करें तो कलर इस बियर का गोल्डन कलर है, और जो फ्रॉथ है वो वाइट कलर का इसका फॉर्म डेवलप हो रहा है इस बियर के ऊपर, और चेक करते हैं नोजिंग आखिर क्या बोल रही है इस बियर की। Getting herbal aroma, somewhat fruity, smell like a cone, cone की भी मेरे को थोड़ी बहुत इसके अंदर से fragrance आ रही है। जहाँ तक मुझे पता है कि cone का इस्तेमाल नहीं किया गया है इस beer के बनाने के अंदर, फिर भी मेरे को जो cone है उसका fragrance आ रहा है। Little bit of bread and जो malt है उसका fragrance भी मैं महसूस कर रहा हूँ इस beer के अंदर। तो चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं और चेक करते हैं इसके टेस्ट नोट्स आखिर क्या बोल रहे हैं। बॉडी इज मीडियम, स्वीट राइस के जो फ्लेवर है वो मैं महसूस कर रहा हूं, और थोड़ा बहुत टच मुझे जो बिटर होप्स है उसका भी आ रहा है इस बियर के अंदर से। हाई कार्बोनेशन है इसमें तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें आफ्टर टेस्ट की तो इस बियर का जो आफ्टर टेस्ट है वो ग्रेनी है थोड़ा बहुत, और जो बार्ले है उसका मेरे को जो टेस्ट है वो फील हो रहा है इसके अंदर से। अगर बात करें स्मूदनेस की तो बियर ये
अच्छी खासी स्मूथ है, आपको अच्छा खासा स्मूथ फ्लेवर देगी और इजीली आपके जो गले हैं उससे डाउन हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस बियर को पीने के अंदर। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस इस बियर की है राजस्थान के अंदर 260 रुपीज़ और क्वांटिटी जो रहेगी वो रहेगी 650 ml। हालांकि ये लागर बियर है जिसके अंदर अल्कोहल बाय वॉल्यूम है वो 4.9% है, मतलब 5% से भी कम इसके अंदर अल्कोहल है। अब बात करते हैं लॉन्चिंग डेट और मार्केट शेयर की। ये बियर इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी इन द ईयर 2006 के अंदर और मार्केट शेयर इस बियर का है 2.1%। हालांकि इंडिया में जो किंगफिशर बियर है वही लीड करती है, उसका मार्केट शेयर अप्रॉक्स 41% है, बट इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट क्वांटिटी, इट्स क्वालिटी दैट मैटर्स। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे आज के बियर सीरीज का रिव्यू बडवाइजर बियर का। तो मतलब कर देना लाइक इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आया हो, और अगर आपने इस बियर को ट्राई नहीं करी है तो एक बार जाइए और इस बियर को ट्राई करना बनता है, बिकॉज उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तभी आपको इसमें बताई हुई इन्फॉर्मेशन को आप इजीली लिंक कर पाएंगे आपके जो टेस्ट पैलेट्स हैं उनके साथ। तो चलिए अब मैं उड़ता हूँ, बिकॉज पीने के बाद तो उड़ान भरनी बहुत ही ज़रूरी है, और मिलता हूँ आप सब लोगों से व्हील्स ऑफ विस्की के इस मंच के ऊपर। तब तक आप सब लोग दुआओं में याद रखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को। जय भवानी एंड गुड बाय।